क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला कल होगा, सनसनी और एक्शन हर पल होगा, ओवल का मैदान होगा और भारत के सामने पाकिस्तान होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल का शायकी ने क्रिकेट को शिद्दत से इंतजार, दिलों की धड़कनें तेज, सरहद के दोनों जानिब तेज हो गया क्रिकेट बुखार। पाकिस्तानी कप्तान का कल जारहाना खेल पेश करने का प्लान, सरफराज अहमद कहते हैं मैच की हिकमत अमली बना ली, अपना मोमेंटम बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। विराट कोहली बोले पाकिस्तानी टीम अपने दिन दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकती है, किसी टीम की गारंटी नहीं, कल फाइनल को क्रिकेट की तरह खेलेंगे। दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन। ग्रीन शर्ट्स ने पहली मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीतने की ठान ली। हेड कोच मिकी आर्थर ने गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने के गुर सिखाए, कहा मोहम्मद आमिर फिट हैं, कल खेलेंगे। हर नौजवान खिलाड़ी अपना तासुर छोड़ रहा है। बॉलिंग कोच अजहर महमूद कहते हैं भारत नाकाबिले तस्खीर नहीं, उसे बड़े स्कोर से रोकने की कोशिश करेंगे। क्रिकेट जंग के लिए दोनों स्क्वाड्स के पास एक से बढ़कर एक हथियार। इधर हसन अली स्विंग बॉलिंग से करेंगे हरीफ बल्लेबाजों का शिकार, मोहम्मद आमिर गेंद और बल्ला दोनों के साथ जौहर दिखाएंगे। फखर जमान जारहाना खेल से टीम की बढ़ाएंगे शान। दूसरी जानिब कोहली शर्मा और धवन से धुआंधार बैटिंग की उम्मीदें। पाकिस्तान टीम की ताकत बॉलिंग, भारत की ताकत बैटिंग है। इमरान खान कहते हैं कौमी टीम को कल पहले बैटिंग करना चाहिए, तब प्रेशर कम होता है। भारत ने पहले बैटिंग की तो पाकिस्तानी टीम के लिए बड़े हदफ को हासिल करना मुश्किल होगा। भारत स्पिन बॉलिंग को अच्छा खेलता है, हमें अपनी ताकत यानी फास्ट बॉलिंग पर खेलना चाहिए। पाक भारत फाइनल का हर ओवर 8 करोड़ रुपए का होगा। भारतीय नशियाती कंपनीज का दावा है कि मैच के दौरान हर 10 सेकंड के इश्तिहार की कीमत 56 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। कल का फाइनल मैच 2 अरब के करीब लोग टीवी पर देखेंगे। दोनों मुल्कों की कशीदगी क्रिकेट के मैदान में अरबों की कमाई का जरिया बन गई। हाथों में आपसे कोई नहीं जीत सकता कभी भी। अच्छा मानते हैं आप ना पाकिस्तान को? सूरज को जागने में जरा देर क्या हुई, चिड़ियों ने आसमान को सर पे उठा लिया। अपने खिलाड़ियों के घरों पर जाकर कोई नुकसान नहीं करता है कि आप लोगों के ख्याल में। जब आप सब्जी खरीदने जाती है, वो बेचारा आदमी जो आपको सब्जी बेच रहा है उसको मुफ्ती दे देता होगा। बड़े फाइनल के मौके पर 92 न्यूज ला रहा है बड़ी ट्रांसमिशन। जादूगर स्पिनर सईद अजमल अपनी घूमती गेंदों की तरह भारतीयों को भी घुमाएंगे। असदुल्ला खान, शाजी अजीज शान और जफर हिलाली भी दबंग एंट्री डालेंगे। दूसरी जानिब मनिंदर सिंह, रवीश, अमित भंडारी और सारिका होंगे। महफिल सजेगी तो रफाकत अली खान और सलीम अलबेला भी रंग जमाएंगे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट सरफराज अहमद और आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टीम के डैशिंग ओपनिंग बैट्समैन अजहर अली। अजहर, अपनी फिटनेस के बारे में बताएं, हमने देखा सोशल मीडिया पे आपने बुलेट टायर उठा के फेंके, आपने ये छलांगे लगाई हैं। सरफराज अहमद बड़े फाइनल से पहले बड़े अच्छे मूड में, कुछ देर के लिए खिलाड़ी से सहाफी बन गए, साथ ही खिलाड़ियों के इंटरव्यूज किए। उधर वतन की मोहब्बत से सरशार सरफराज ने मिली नगमा गाकर भी खूब दाद वसूल की। शहबाज शरीफ की पैनामा जीआईटी में पेशी, 3.5 घंटे से ज्यादा सवालों जवाब। वजीर आला पंजाब कहते हैं एक नहीं करोड़ों बार हिसाब लें, ये मट्टी हमारी है। वजीर आजम और उन्होंने पेश होकर कानून की हुक्मरानी की हकीर खिदमत की। जीआईटी में पेश होकर आमिर और जमहूरी लोगों में फर्क बता दिया।
शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर चौधरी निसार ने गाड़ी ड्राइव की। इसहाक डार भी साथ मौजूद थे। बड़ी तादाद में लीगी कारकुन भी जुडिशियल एकेडमी पहुंचे। सिक्योरिटी के लिए 2500 के करीब अहलकार तैनात किए गए। शहबाज शरीफ की JIT में पेशी से पहले और बाद में वजीर आजम से मुलाकातें। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को मुल्जिम आला करार दे दिया। कहा, एक फैक्ट्री से 30 बना ली। शरीफ खानदान का कभी एहतसाब नहीं हुआ। मेफे फ्लैट्स उनकी मिल्कियत है। पाकिस्तान में कोई साजिश नहीं हुई। बैनुल अक्वामी सतह पर इंकशाफात हुए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पकड़े गए हैं। उनका असल घर अडियाला जेल है। JIT अरकीन की जासूसी का मामला। डायरेक्टर जनरल IB का JIT अरकीन के कवायफ इकट्ठे करने का एतराफ। आफ्ताब सुल्तान का कहना है, कौमी अहमियत के हर मामले की मालूमात इकट्ठी करते हैं। मालूमात हासिल करना IB का मामूल का काम है। पैनामा केस की अहमियत के बाइस JIT अरकीन के कवायफ जमा किए। नहीं हिल रही, ये खुद हिल रहे हैं। ओपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की हुकूमत पर फिर तनकीद। कहा, मियां साहब अपनी ही बातों में जकड़े जा चुके हैं। JIT को मतनासे बनाने की कोशिश की जा रही है। कतर ने मुश्किल वक्त में मियां साहब को खत भी दे दिया। नून लीग का कप्तान पर जवाबी वार। आबिद शेर अली ने कहा कि इमरान खान इदारों पर वार करते हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता। बताया जाए तस्वीर लीक करने वाला कौन था। JIT के अंदर की बातें इमरान खान तक कैसे पहुंच जाती हैं? मरियम औरंगजेब बोली, इमरान खान ने पाकिस्तान दुश्मन अनासिर के इशारों पर 4 साल से तमाशा लगा रखा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों के यौम शहादत पर कराची, लाहौर और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में जुलूस। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सिंध में डबल सवारी पर पाबंदी। लाहौर में जुलूस के रूट पर मोबाइल फोन सर्विस बंद रही। कराची में सूबाई वज़ीर दाखला का जुलूस की गुजरगाहों का दौरा। IG पुलिस सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए मरकजी जुलूस में पहुंच गए। कराची में यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूस पर खुदकुश हमले की मंसूबा बंदी। रेंजर्स ने नाकाम बना दी। बल्दिया और औरंगी में कार्रवाई। कलदम लश्कर जंगी के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। भारी तादाद में असलहा और बारूद बरामद। DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद सईद का MA जना रोड का दौरा। पुलिस के आला अफसरों से मुलाकात की। कराची की सेंट्रल जेल से कैदियों का फरार। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के मुनज़्ज़िम जज का रिमांड पर रिमांड देने से इनकार। मुल्ज़िम पहले से जुडिशियल रिमांड पर जेल में है, उनका रिमांड कैसे दिया जा सकता है? अदालत का सरकारी वकील से इस्तफसार। CTD को मुल्ज़िमान के साथ 19 जून को तलब कर लिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में बादल जमकर बरसे, मौसम खुशगवार हो गया। कराची के कई इलाकों में बूंदाबांदी और तेज हवाएं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चारसद्दा, नौशहरा समेत कई शहरों में अबरे करम खुलकर बरसा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों शहीद होने वाले कमांडर जुनेद मट्टू और साथियों की नमाज जनाजा। हजारों अफराद की शिरकत। आजादी के हक में और भारत के खिलाफ नारे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर वादी में मुकम्मल हड़ताल रही। भारतीय आर्मी चीफ का एक मरतबा फिर मकबूजा कश्मीर में हालात बेकाबू होने का एतराफ। रमजान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होते ही बाजारों की रौनकें बढ़ गईं। मलबूसात, ज्वेलरी और जूतों की दुकानों पर खवातीन का रश। बच्चे भी मनपसंद चीजें लेने के लिए पुरजोश।